नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल गुप्ता ग्रोसरी स्टार्टअप में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि गुटखा की बिक्री कितनी ज़्यादा रहती है, जिनमें से राष्ट्रीय पान मसाला की बिक्री सबसे ज़्यादा होती है। कई तरह के गुटखा आते हैं, जैसे पान पराग हो गया, सिग्नेचर हो गया, राष्ट्रीय पान मसाला हो गया, विमल पान मसाला हो गया। कई तरह के गुटखा आते हैं जिनमें से राष्ट्रीय की बिक्री सबसे ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय पान मसाला के कुछ पैकेट्स के बारे में आपको बताने वाले हैं, उनका आपको होलसेल रेट बताने वाले हैं और उनमें आपको एक पैकेट में लगभग कितने रुपए का फ़ायदा हो जाता है, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। जैसा कि राष्ट्रीय पान मसाला का छोटा पाउच आता है, 5 रुपये वाला पाउच आता है, उसका होलसेल रेट क्या रहता है, और उसका 10 रुपये वाला भी पाउच भी आता है, उसका होलसेल रेट क्या रहता है, 20 रुपये का जो राष्ट्रीय पान मसाला आता है उसका थोक रेट क्या रहता है, और उसकी पैकेट में आपको लगभग कितने रुपए का मुनाफा मिल जाता है, तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं आप, ये राष्ट्रीय पान मसाला का 20 रुपए का जो एक गुटखा आता है राष्ट्रीय, वो उसकी पैकेट कुछ इस तरह की रहती है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। और 10 रुपये वाला जो राष्ट्रीय पान मसाला आता है, उसका पाउच कुछ इस तरह का, ये इसका पैकेट आता है जैसा कि देख सकते हैं आप। और इसका जो एक छोटा पैकेट आता है राष्ट्रीय पान मसाला का, 5 रुपये का जो एक पाउच आता है, ये उसका पैकेट है, ये कुछ छोटा पैकेट इसका आता है, और इसकी ये तंबाकू रहती है साथ में इस तरह की। तो दोस्तों, बात करते हैं 10 रुपये वाले राष्ट्रीय पान मसाला के थोक रेट के बारे में। तो इसका जो एक पैकेट हमें अभी मिल रहा है, 190 रुपये इसका थोक रेट है। जी हाँ, इसका 90 रुपये थोक रेट है। और इसमें टोटल पाउच की बात करें तो इसमें टोटल 23 पाउच राष्ट्रीय पान मसाला के रहते हैं, और ये कुछ इस तरह का ये पैकेट रहता है जैसा कि देख सकते हैं आप। और ये जब पूरा पैकेट बिक जाता है तो इसमें लगभग 230 रुपये बनते हैं। जी हाँ, तो हमें एक पैकेट में लगभग 30 से 40 रुपए का फ़ायदा आसानी से हो जाता है इस। और जो राष्ट्रीय पान मसाला 10 रुपए वाला पुराना पाउच आता था, उसमें 2 पाउच कम आते थे। जी हाँ, उसकी एक पैकेट में 21 पाउच ही राष्ट्रीय पान मसाला के रहते हैं, इसमें 2 पाउच बढ़ के आने लगा है, ये इसका नया पैकेट है। अब चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय पान मसाला के बारे में। ये 20 रुपये का जो एक पाउच राष्ट्रीय पान मसाला आता है, कुछ इस तरह का ये पैकेट रहता है। तो इसके थोक रेट के बारे में बात करें तो इसका थोक रेट अभी 235 रुपये में ये मिल रहा है। जी हाँ, और इसमें टोटल 15 पाउच राष्ट्रीय पान मसाला रहते हैं, कुछ इस तरह की ये पैकेट रहती है जैसा कि देख सकते हैं आप। और इसकी तंबाकू कुछ इस तरह से आती है, देख सकते हैं आप, इसकी तंबाकू है। तो इसका पैकेट जब पूरा बिक जाता है 15 पाउच राष्ट्रीय, तो इसमें लगभग 300 रुपये बनते हैं। जी हाँ, तो हमें इसकी एक पैकेट में 60 से 65 रुपये का प्रॉफिट आसानी से हो जाता है। और इसकी सबसे ज़्यादा बिक्री रहती है किराना दुकान में, 20 वाला जो राष्ट्रीय है, इसकी बिक्री बहुत ज़्यादा रहती है। और यहीं पे बात करते हैं हम इसके सबसे छोटे पैकेट के बारे में, जो ये 5 रुपये का एक पैकेट राष्ट्रीय पान मसाला आता है, उसका ये पैकेट है कुछ इस तरह से रहता है जैसा कि देख सकते हैं आप। और इसकी तंबाकू कुछ ये रहती है इस तरह के पैकेट। तो इसके होलसेल रेट के बारे में बात करें तो इसका होलसेल रेट 125 रुपये रहता है। जी हाँ, इसका पैकेट हमें 125 रुपये में मिल जाता है। और इसमें टोटल राष्ट्रीय पान मसाला के बारे में बात करें तो इसमें टोटल 30 पाउच रहते हैं। जी हाँ, जब ये पूरा बिक जाता है तो इसमें लगभग 150 रुपये बनते हैं। जी हाँ, तो हमें इसकी एक पैकेट में 25 रुपये का प्रॉफिट आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों, गुटखा में आप जानते ही होंगे अच्छा खासा मार्जिन मिलता है, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। और अभी अभी एक नया गुटखा भी आया है सिग्नेचर, जी हाँ, वो भी अच्छा खासा बिक रहा है, 5 रुपये का जो एक पाउच आता है। और तलब गुटखा भी हमारी दुकान में बहुत ज़्यादा उसकी बिक्री रहती है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ ही गया होगा कि 20 रुपये का जो राष्ट्रीय पान मसाला का पाउच आता है, उसमें एक पैकेट में 65 रुपये का प्रॉफिट होता है। और जो राष्ट्रीय पान मसाला 10 रुपये का जो पैकेट आता है, उसका पूरा पैकेट, उसमें हमें लगभग 40 रुपये का फ़ायदा होता है। और जो सबसे छोटा पैकेट है राष्ट्रीय पान मसाला का 5 रुपये वाला, उसमें आपको 25 रुपये ही फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच देखने के लिए।